सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज अब तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं पवित्र पासवान के घर पे। हमारे सामने राजकुमारी देवी जी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनका तागड़ा मुकाबला है इस वक्त जो है नगर पंचायत मुसरी घरारी में जो है टक्कर का मुकाबला है और इनका जो है पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। तो इसलिए हम जो है जनता की आवाज़ आप तक में इनसे बात करने के लिए आ गए हैं। जनता की आवाज़ आप तक चैनल पे जनता जो है इनका इंटरव्यू देखना चाहती है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आज अभी रात का समय है। सबसे पहले तो राजकुमारी जी, जनता की आवाज़ आप तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा राजकुमारी जी, आपको लगता है ऐसा कि आप चुनाव जीत जाएंगे? माने जनता बोले हैं जे ठारा हुई है। हाँ, जनता का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा दोस्तों, हमारे बीच में इनके पति पवित्र पासवान जी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों मैं पवित्र पासवान जी के बारे में सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो है इलेक्ट्रिक विभाग में जो है कार्यपालक अभियंता पोस्ट पर ये रिटायर हुए हैं और उसमें जॉब करते थे। आप मुझे ये बताएं पवित्र जी कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इस पोस्ट पे खड़ा होना चाहिए आपकी पत्नी को? मुझे नहीं लगा। मैंने जब मैं पवित्र पासवान बोल रहा हूँ, मुझे घाटी नगर पंचायत के मैंने मुख्य पार्षद मैं पति हूँ, और मुझे ये नहीं लगा मैं इसमें खड़ा भी होना नहीं चाह रहा था। लेकिन पूरे तीनों पंचायत के जितने भी मतलब जो है सो कार्यकर्ता हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, सभी लोगों ने मुझे मैंने कहा कि आप खड़ा होइए और सभी लोगों से लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो मैं जब इलेक्शन में खड़ा हुआ और चारों तरफ से मैंने पंचायत के अराउंड दी पंचायत, मैंने कहीं भी हमको ये नहीं लगा जे जात पात सबसे ऊपर उठ करके मुझे लोग वोट कर रहे हैं। अपोजिशन कहीं नहीं है, अपोजिशन का कोई जो है सो खेल नहीं है। वो लोग जो है सो सिर्फ दिखावा करते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। इसलिए जो है सो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता, मुसरीघाटी नगर पंचायत की जनता मुझे पूर्ण बहुमत से जो है सो वोट करेगी और जिताएगी। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका कहना है कि भाई उनको अगर आप जिताते हैं तो आपको जो है वो तो पटना में नजर आएंगे, यहाँ पे ताला उनका घर पर जो है नजर आएगा, ऐसा हवा चल रहा है। बस मुसरीघाटी में ये बातें चल रही है, तो क्या आप यहाँ नहीं रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास अगर किसी तरह का मुद्दा रहता तो उठाता, वो विकास की मुद्दा उठाता, रोड लाइट की मुद्दा उठाता, पढ़ाई लिखाई की मुद्दा उठाता, लेकिन उसके पास किसी तरह का कोई अथी है नहीं मुद्दा। तो उन्होंने यही मुद्दा एक उठाया जो पवित्र पासवान पटना में रहता है, यहाँ नहीं रहेगा, उसका बड़ा मकान है, गेट है, गेट लागल रहेगा, आप लोगों से भेंट मुलाकात नहीं होगा। इसलिए वो मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को बुर्बक समझ रहे हैं। जो हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है, लेकिन अभी की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, वो हर चीज़ समझती है, माने किसी भी कैंडिडेट को मतलब जो है सो उससे ऊपर समझती है जनता। अच्छा मुझे पवित्र जी, आप मुझे ये बताएं जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपका क्या एजेंडा है, क्या काम करेंगे आप अगर जीतते हैं? सर्वप्रथम मैं चारों गली गली घूरा हूँ, मैं देखा हूँ कि रोड की समस्या यहाँ है, यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के पास रोड नहीं है, गरीब जी तबके के पास मकान नहीं है। इसलिए सबसे सर्वप्रथम मैं रोड और जिसके पास मकान है मकान की व्यवस्था करूंगा, बिजली की व्यवस्था करूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया जाएगा, स्कूल जो चल रहा है वह निगम में स्कूल आ जाएगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, मेरा फर्स्ट प्राथमिकता यही होगा। हाँ। अच्छा पवित्र जी, मैं आपके घर पर अभी आ रहा था तो थोड़ा सा दूर में देखा मैंने कि रोड नहीं बनी हुई है, क्या वजह है कि वहाँ पे रोड छूटी हुई है? पूरे में रोड बनी हुई है, वहाँ पे नहीं बनी हुई है। मैं उस वक्त पटना में था, रोड जो लोग बनवा रहे थे उसमें कुछ आपस में तनाव हो गया, आपस में तनाव हो गया, प्रेम भाव से रोड बनवाना चाहिए था, लेकिन कुछ तनाव के चलते उन लोगों ने रोड को नहीं बनने दिया, लेकिन रोड बन जाएगा वो, इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है, वो रोड बनेगा। अच्छा जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से आखिरी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि आप जो है चुनाव प्रचार थम गया है और अब 48 से कम भी घंटे का जो है समय है चुनाव शुरू होने में, तो यहाँ की जो मुसरीघाटी पंचायत की जो जनता है उनको आप, 200 वार्ड के जो जनता है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं आपको? आपके चैनल से मैं सभी मतलब नगर पंचायत के सभी जनता से अनुरोध करता हूँ कि मुझे भारी मतों से विजय बनाएं, और जो है सो नया साल आने वाला है इसलिए नए साल की शुभकामना भी देता हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर आप जीत जाते हैं तो
तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहले आप कौन से काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो है से लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा सा मतलब जो है से लोगों में भय का वातावरण है, उसको मैं दूर करूँगा। मुसरीगाड़ी में जाम की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, तो उन सब चीज़ों पे आप क्या काम करेंगे? मैं उस पर जो है सो मैंने जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हैं या इंस्पेक्टर जो रहते हैं, मैं या एसपी से या डीएसपी से, ट्रैफिक डीएसपी से बात करेंगे और इसको सुलभ अच्छा से जो लोग पास कर जाए रोड पर, जाम न लगे, इस पर हम लोग प्राथमिकता देंगे। आप जो है आप चलते चलते जो है जनता की आवाज़ आप तक चैनल के माध्यम से मुसरीगाड़ी नगर पंचायत की जनता को आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है राजकुमारी जी का, और उस पर जो है सो क्रम संख्या 4 पर है, उस पर भारी मतों से वोट दे करके मुझे विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र पासवान जी। दोस्तों हमारे साथ अभी बात कर रहे हैं पवित्र पासवान जी, राजकुमारी देवी जी के पति हैं पवित्र पासवान जी, जो कि कैंडिडेट हैं राजकुमारी जी, और इस वक्त जो है पवित्र पासवान के घर पर मैं मौजूद हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? जनता की आवाज़ आप तक कौन बनेगा मुसरीगाड़ी नगर पंचायत का मुख्य पार्षद? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। और कौन से प्रत्याशी का कितना पलड़ा भारी है, कौन से प्रत्याशी मुसरीगाड़ी नगर पंचायत के लिए बेहतर होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम मुसरीगाड़ी पंचायत के लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएँ और पाएँ सबसे पहले न्यूज़।